सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में, है सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में, हैरानी बीत जाए दिन हैरानी में बीत जाए दिन, पल पल सपने हो सके ना तुम, रुठ गए सारे सपने, सपने हो सके ना अपने, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, आज ढूंढ लो सुबह साक्षरता केंद्र से लौटते वक्त कुछ स्थानीय अपराधी के हाथों बलात्कार का शिकार हुई मिनती। शर्म और अपमान से टूटी हुई मिनती क्या करे कहाँ जाए कुछ तय नहीं कर पा रही थी। बंगाल सोशल सर्विस लीग के सहायते से कुछ साक्षरता केंद्र में लड़कियों के अपने आत्मरक्षा के लिए महिला कराटे प्रशिक्षण शिविर आरंभ हुआ था। साक्षर मिनती का मानव पुनर्जन्म हुआ। मिनती एक वास्तविक चरित्र है। हमारे देश में मिनती जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, शायद वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहती, लेकिन समाज में सर ऊंचा करके जीने से नहीं डरती, क्योंकि आज उन्हें एक नए जीवन का स्वाद मिला है और यहीं से शुरू होती है उनकी नए सुबह की तलाश। तो फिर 16 चौके कितने हुए? 64। वाह, तो फिर कोई तकलीफ नहीं तुम्हें? इन चंद महीनों में तुम जितना आगे बढ़ी हो उससे मैं बहुत खुश हुई हूँ। अगले दिन से नया पाठ शुरू करेंगे, क्यों? अच्छा दीदी, हमारा तो पहला और दूसरा पाठ खत्म हो गया है। हाँ। कल से तीसरा पाठ शुरू होगा। हाँ, कल से ही तुम्हें तीसरे पाठ की किताबें मिलेंगी। उम्मीद रखती हूँ मन लगाकर तीसरा पाठ भी खत्म कर पाओगी। तब आज यहीं तक, जाओ सब घर जाओ। गुरु, हमारा गांव कैसा बदल गया है, देखते हो ना? कहा बदल गया है सब कुछ, गांव तो सब ठीक ही है भाई। इधर हमारा तालाब, उधर हमारा पुराना मंदिर और पेड़ के नीचे हमारे दारू का अड्डा, सभी तो ठीक है ना भाई। तू पूरा आप गंवार है, इसलिए कुछ नहीं समझता। खबरदार, खबरदार मुझे गंवार नहीं बोलेगा, तू खुद क्या है रे? अरे हम सभी मूर्ख हैं, क्यों गुरु? मूर्ख मूर्ख है तो उसे क्या हुआ? हमारा हमारा रोजगार कैसा है वो बोल। हमारी तरह का रोजगार इस गांव में और किसी का है? यार इस बार हमारा वो टेंडर लगने से लाखों लाख रुपया, लाखों लाख। रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ो? तेरे साथ मुझे एक जरूरी काम है। तुम्हारे साथ मुझे कोई काम नहीं। हमारे गुरु के साथ ऐसे नहीं बोलने का। तो कैसे बोलूं? तुम इस सवाल के बात कर।
रास्ता छोड़ो, मैं घर जाऊंगी। बात किए बिना नहीं जा पाएगी। हाँ, कहीं नहीं जा पाएगी। सुन, तेरे साथ जो बात करनी थी। रास्ता छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाएगी यार। क्या बात है कहो तो, इतनी रात हो गई लड़की अभी तक नहीं आई। तो मैं क्या एक बार खुद जाकर देखा हूँ? साक्षरता केंद्र में तो इतनी रात तक पढ़ना लिखना नहीं सिखाते। तब इतनी देर क्यों हो रही है? जाऊँ जरा एक बार आगे जाकर देखा हूँ। अच्छा, दीपू बाबू की लड़की भी तो उसके साथ एक ही साक्षरता केंद्र में लिखती पढ़ती है ना? किसकी बात कर रहे हो, शिवानी? हाँ, मैं बल्कि वही जाकर देखा हूँ वो लौट आई है या नहीं। ये लो मिंती आ गई। मिंती, ये क्या हुआ तुझे? ये क्या हालत हो गई है? बोल बोल माँ, बोल क्या हुआ है बेटी? बोल बोल। उन्होंने मेरा सर्वनाश कर दिया। किसने किया, किसने किया तेरा सर्वनाश? बोल। रवि ने मुझे बर्बाद कर दिया है माँ। रवि मनारी मिलकर। और किसने कह रहा होगा? भगवान ने यही क्या हमारी तकदीर में लिखा था? सबको तीसरे पाठ की किताबें मिली? हाँ। पांचवा पन्ना खोलो सब। आज हमारा पाठ हमारा गांव। ये हमारा गांव। ये हमारा गांव। इस गांव में हम रहते हैं। इस गांव में हम रहते हैं। काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं। काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं। खेत में खलियान में मेहनत करते हैं। खेत में खलियान में मेहनत करते हैं। क्या बात है, आज भी मिंती नहीं आई। आरती, तुम जानती हो क्या खबर है उसकी? नहीं दीदी, मैं ही नहीं जानती। इतने उत्साह से बोली थी तीसरा पाठ सीखेगी। शिवानी, तुम तो उसके पड़ोस में रहती हो, तुम कुछ खबर जानती हो? नहीं दीदी, दो दिनों से उसके घर से किसी को निकलते ही नहीं देखा। ओ, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? सुनो, आज पाठ खत्म होने पर हम उसके घर चलेंगे, क्यों? लो पढ़ो। हमारे गांव के बीच से एक सड़क निकली है। हमारे गांव के बीच से एक सड़क निकली है। पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर। मौसा जी? कौन? मैं शिवानी, मेरे साथ दीदी आई है। क्या हुआ? हम लोग मिंती की खबर लेने आए हैं मौसी जी। दरअसल मिंती कुछ दिनों से साक्षरता केंद्र में जा नहीं रही है, इसलिए खबर लेने आए। नहीं नहीं, वो अब साक्षरता केंद्र में नहीं जाएगी। लिखाई पढ़ाई सीखने की अब जरूरत नहीं। क्या कह रही है मौसी जी, पढ़ाई में उसकी कितनी दिलचस्पी है और कुछ दिनों में ही बहुत कुछ सीख जाती। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी बेटी को लिखने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग जाओ, जाओ। मिंती कितनी अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख रही थी, कितने हौसले से कहा नया पाठ सीखेगी, फिर आज अचानक एतराज क्यों कर रहे हैं? मैं तो समझ नहीं पा रही। अचानक एतराज क्यों कर रहा हूँ तुम लोग समझ नहीं पाओगी। तुम लोग जाओ, मैंने तो कह दिया है कि हमारी बेटी को और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम लोग हमें जरा चैन से रहने दो, जाओ। खड़ी क्यों रह गई, हमें और परेशान मत करो।
जाओ। माँ उनको अंदर आने दो। माँ आओ। क्या हुआ मिंती, तुम साक्षरता केंद्र में क्यों नहीं जा रही हो? क्या हुआ, रोती क्यों हो? मैं और कभी साक्षरता केंद्र नहीं जा पाऊंगी दीदी, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। हुआ क्या, हमें साफ साफ बोलो तो। उन्होंने मेरा सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश? किसने, किसने किया ऐसा? उस दिन साक्षरता केंद्र से घर लौट रही थी, रवि पवन और हरी तीनों शराब पिए हुए थे। मैंने चिल्लाने चाहा, रवि ने मुंह दबा दिया और फिर उन तीनों ने मेरे जिस्म को लेकर। चुप कर बेटी, चुप कर। वो रवि नाम का लड़का जो हर समय बाइक लेकर घूमता है? हाँ हाँ, बाइक लेके घूमता है। बाप पैसे वाला है, उनकी जो मर्जी में आए कर सकते हैं। थाने में गए थे? थाने में जाके कुछ नहीं होगा, उनके पास पैसा है, वो सबका मुंह बंद कर देंगे। और फिर जब सब लोग हमारी बेटी के सर्वनाश के बारे में जान जाएंगे तब हम कैसे मुंह दिखाएंगे? क्या हो तो? शर्म के मारे आप लोग मुंह बंद कर जुल्म को सह लेंगे? सहना ही होगा, और क्या। तुम जानती हो वो रवि के लोगों ने हमें घर में आके धमकी दी है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वो मेरी बेटी की जान ले लेंगे। क्यों मिंती, तुम इस डर से चुपचाप घर में बैठी रहोगी और उन बदमाशों को सजा नहीं दिलाओगी? पढ़ाई सीख कर तुम ऐसे हार मान लोगी? मेरा तो सब कुछ लूट गया है दीदी, मैं क्या कर सकती हूँ बोलो। सुनो मिंती, तुम अगर चुप रह गई ना तो उनका जुल्म और बढ़ जाएगा। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए और वो सजा उन्हें तुम दोगी। लेकिन किस तरह दीदी? सुनो, कल तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम और शिवानी थाने में जाके डायरी करेंगे और फिर पंचायत प्रधान को सब बताएंगे। हाँ दीदी, उस रवि को सजा ना होने तक मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। तुमने ठीक कहा है, मैं डरूंगी नहीं, मैं जाऊंगी। कर पाएगी तो बेटी, कर पाएगी? मुझे करना ही होगा, उन शैतानों को मुझे ही सीधा करना होगा। उन्होंने जिस तरह मेरा सर्वनाश किया ठीक उसी तरह वैसे ही मैं उनका सर्वनाश करके रहूंगी। थाने गई थी? हाँ, थाने में गई थी डायरी करने, पहले तो डायरी नहीं ले रहे थे, आपका नाम लिया तब जाके। सच सच ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो अब आप क्या करेंगे कहिए? मैं क्या करूंगा, यानी आप क्या चाहती हैं, यानी कि हमें क्या करना होगा? उनको सजा देनी होगी। जरूर जरूर, असल में मैं सोच भी नहीं सकता था कि रवि ऐसा काम भी कर सकता है। अच्छा बेटी, सच सच बताना, उस दिन क्या क्या घटना घटी थी? उस दिन मैं साक्षरता केंद्र से घर लौट रही थी, देखा रास्ते में वो तीनों दारू पीकर। हाँ तो फिर क्या हुआ? वैसे देखा जाए अगर तो आजकल दारू पीना कोई बड़ी बात नहीं, सभी लड़के पीते रहते हैं। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? बोलो 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 बोलो, बोलती क्यों बोलो, शर्माती क्यों हो? काका, आपकी बेटी से
रात के अंधेरे में यदि तीन गुंडे दारू पीकर बलात्कार करें, तो उसका सबूत पाने के लिए बार बार बेटी से सवाल करेंगे कि कैसे उन्होंने बलात्कार किया, कपड़े फाड़ डाले, कैसे टूट पड़े उसके जिस्म पर, और आपकी बेटी शर्म और अपमान से रोती रही। इनजी, क्या करिए, चुप हो जा। नहीं, और चुप नहीं रहूंगी। अपनी बेटी का सर्वनाश ना होने तक आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे ना। बोलिए बोलिए। अब शांत हो बेटी, शांत हो। मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारे दर्द को। नहीं नहीं, अपने गांव में ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसका कोई हल निकालना ही होगा। हम लोग फिर अगली बार कब आए? आप लोग अगले मंगलवार को आइए, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो हाँ बेटी, कुछ बात बनी? हम लोगों ने थाने में डायरी की है और पंचायत प्रधान को भी बताया है। आप कोई चिंता ना करें मौसी, कोई फैसला ना होने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। मुझे न जाने क्यों डर लगता है बेटी, बाद में और मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे? पर मैं किसी से नहीं डरती माँ, किसी से नहीं। अच्छा तो आज चलती हूँ मैं। दीदी, साक्षरता केंद्र क्या बंद हो गया है? नहीं, ऐसा क्यों, आज शाम को ही तो क्लास है। मैं क्या फिर से पढ़ पाऊंगी दीदी? क्यों नहीं? नहीं नहीं, उसको लिखने पढ़ने की और जरूरत नहीं। आप जरा इधर आएंगे? मैं कह रही थी कि उसे रोकिए मत, वो अंदर ही अंदर जैसे घुट रही है। इस वक्त उसे रोकने से उसका नुकसान हो जाएगा। उसे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, सबके साथ पढ़ने लिखने से उसको भी अच्छा लगेगा। तुम्हें पूरा यकीन है कोई नुकसान तो नहीं होगा? वादा करती हूँ मैं, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। मिंती, कल से तुम साक्षरता केंद्र में चली आना, मैं शिवानी को भेज दूंगी, उसके साथ आ जाना, समझे? तो आज चलती हूँ मैं। ओ, आप लोग आ गई, आइए आइए बैठिए। क्या हुआ रमेश बाबू, वो सब बेफिक्र घूम रहे हैं? यहाँ पर आते वक्त देखा रवि बाइक लेकर सामने से गुजर गया। सिर्फ यही देखा? असली चीज तो आपने नहीं देखी। ये देखिए, ये रवि के कंपनी का टेंडर फॉर्म, गांव में जो नया रास्ता तैयार होगा उसका फॉर्म। इससे पहले गाँव में जो नए रास्ते बने हैं वे सभी बनाए हैं रवि के कंपनी ने, तो इस बार भी उसका लोएस्ट रेट था पर हमने रिजेक्ट कर दिया। बस इतना ही? इतना ही क्यों, कितने रुपयों का ऑर्डर है जानती हैं? मैं रुपयों की बात नहीं जानना चाहती, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिन हाथों ने मेरा सर्वनाश किया है मैं उन हाथों को तोड़ देना चाहती हूँ। तुम बहुत जिद्दी हो बेटी, बिल्कुल रणचंडी। देखो जो होना था हो गया, ज्यादा और शोर शराबा करने से तुम्हारा और हमारा दोनों का नुकसान है। देखिए, आपका क्या नुकसान होगा वो मैं नहीं जानती, पर मैं और किसी नुकसान की परवाह नहीं करती। हाँ, पर आपने ठीक ही कहा है, मैं रणचंडी हूँ। उसके दोनों हाथों को तोड़े बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगी। मिंती का अपमान पूरे साक्षरता केंद्र का अपमान है। तुम लोगों को सब कुछ पता है, अब कहो क्या करना चाहिए। थाने के बड़े बाबू कहते हैं ऐसे मामले में गवाह के बिना कुछ नहीं होता। ये तो अजीब बात है, दोष करे वो फिर गवाह भी चाहिए। सुना है वो बड़ा बाबू बहुत ही बदमाश है। दरअसल रवि का बाप बहुत पैसा वाला है ना, पैसा देकर सबका मुंह बंद कर दिया है। तो क्या हम ये जुल्म सर झुकाए सहले? क्या हम सब मिलकर थाने का घेराव नहीं कर सकते? नहीं नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, कुछ और सोचो। प्रधान जी ने भी मुंह फेर लिया। तो फिर इसका उपाय? हम लोगों की सहायता करने वाला कोई नहीं, जो करना है हम लोगों को ही करना होगा। हम लड़कियां हैं, हम क्या कर सकती हैं? मुझे क्या खटकती है जानती हो, आज अगर वो शैतान छूट जाए किसी और लड़की का सर्वनाश कर सकते हैं। हाँ। और फिर मिंती का अपमान यानी पूरे साक्षरता केंद्र का अपमान है, इसीलिए खुद की रक्षा के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हाँ दीदी, पर हम क्या कर सकते हैं? लिखने पढ़ने के साथ साथ अगर यहीं कराटे का प्रशिक्षण शिविर शुरू कर सके तो कैसा रहे। खूब अच्छा होगा दीदी।
तो तुम सब राजी हो? हाँ हाँ राजी। नींद नहीं आ रही बाबा। उस रवि को सजा ना देने तक मुझे नींद नहीं आएगी बाबा। आएगी भी नहीं। अच्छा बाबा, मैं क्या गलती कर रही हूं जानते हो बाबा? कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, बहुत अकेला महसूस करती हूँ। बेटी, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है।
तेरा भी आज वही समय है। तू कर पाएगी, तुझे करना ही होगा। पापा आ, मेरे पास आ। रुक, जो होना था हो गया, ये उठा ले। रास्ता छोड़। रास्ते का टेंडर उठवाकर तूने अच्छा नहीं किया। सच पूछो तो ये रास्ता एक नहीं है, दूसरा रास्ता हम तैयार कर सकते हैं, है ना गुरु? माँ कसम, उस दिन दारू पी रखी थी, भूल हो गई, माफ कर दे। हाथ छोड़। छोड़ूंगा, पहले बोल माफ कर दिया। खबरदार, भागने की कोशिश की तो। शैतान, इन हाथों से मेरा सर्वनाश किया था ना, इज्जत लूटी थी ना, बोल बोल, इन हाथों से और किसी लड़की का सर्वनाश करेगा, बोल। जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी है, सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में, हैरानी बीत जाए दिन, हैरानी में बीत जाए दिन, पल पल छी